नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और हरियाणा के पहलवान अब कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि महिला कुश्ती पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने मांग की है कि संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाए, साथ ही संघ को निरस्त कर दोबारा से संघ बनाया जाए। पिछले 2-3 दिन से यह मामला चर्चाओं में है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर हमने गृह मंत्री अनिल विज से सवाल किया तो मंत्री अनिल विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अनिल विज ने, सुनवाते हैं आपको। देखो, ये बहुत संगीन मामला है जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, और जहां तक मैं जानता हूं मेरी पार्टी किसी भी गलत आदमी को बख्शती नहीं है, लेकिन उसके लिए जांच होना जरूरी है। जांच बिठा दी गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। मैंने बताया ना कि सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, 3 सदस्यीय समिति बना दी है और सरकार बहुत गंभीर है, मूक दर्शक नहीं है, बहुत गंभीर है। अब देखिए, ये खिलाड़ियों का मामला है और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए और ना राजनीतिज्ञों को इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए, और खिलाड़ी भी इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। कल 1-2 राजनेता गए थे, उन्होंने जबरदस्ती उनको मंच से उतार दिया कि इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ, इसको खिलाड़ियों का ही मामला रहने दो। तो इन राजनेताओं को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इसके मामले में बहुत गंभीर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कार्रवाई करने से पहले जांच कराना जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंच चुकी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ खड़गे ने समापन समारोह में सभी विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया है। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ड्रामा बताया है भारत जोड़ो यात्रा को, और क्या कुछ कहा अनिल विज ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये जो राहुल गांधी की यात्रा है इसका कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, किसी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये इनकी अपनी पार्टी की ड्रामेबाजी है, जैसे वो सर्कस वाले आते हैं, सर्कस करके चले जाते हैं, लोगों का मनोरंजन हो जाता है। वो लोगों का इसकी यात्रा से, राहुल गांधी से इन्होंने मनोरंजन कंपेन चला रखा है, तो उसके अलावा ये कुछ नहीं। अब देखिए, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। अब किसी को पप्पू नज़र आता है और किसी को कुछ और नजर आता है। अंबाला की चाक चौबंद सुरक्षा वाली अंबाला सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में आई और मामला था अंबाला सेंट्रल जेल में गोली चलने का, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज से हमने सवाल किया तो अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये संगीन मामला है और मैंने बात की है SP से कि इसकी जाँच की जाए। अब जेल की सुरक्षा का दायित्व तो जेल स्टाफ के ऊपर होता है। जेल स्टाफ के भी अगर अंदर हथियार क्या है तो उसके लिए जेल स्टाफ होता है, लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो उसको हम देखते हैं। तो इसलिए हमने कहा है और उसकी बकायदा कमेटी बना के सारा जांच की जा रही है, और बिल्कुल ये मामला है कि अंदर गोली कैसे चली गई और SLR की गोली कैसे चली गई, वो तो किसी के पास होती नहीं है, तो वो जाँच कर रहे हैं। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।